हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है, ये लाइन में हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में। क्या करें, इंट्रोडक्शन ऐसे ही देना पड़ता है। और क्या बोलने वाला था, हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, आते हैं वापस से फोकस पे। हीरोन्स फॉर्मूला जो चैप्टर है आपका, उसके सारे कॉन्सेप्ट, वैसे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, एक फॉर्मूला है बेसिकली। तो जो भी चीज़ें उसमें यूज़ होती है इस चैप्टर में, जो भी चीज़ें आ सकती है आपकी, जो भी आपकी नीड है इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो मैं यहाँ पर कहने का मतलब सारे चैप्टर, पूरे चैप्टर का रिवीजन, आपको फुल चैप्टर का रिवीजन इसी वीडियो में करा दूंगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होने वाला, क्योंकि चैप्टर ही छोटा सा है। आई थिंक एक्सरसाइज 12.1 ही आ रही है इसमें सिर्फ, है ना। वैसे मैंने तो 12.2 भी करवा रखी है, आप ढूंढ लेना प्लेलिस्ट में, पर आई थिंक ज़्यादातर स्कूल में सिर्फ 12.1 आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है, ये ग्रीक इंजीनियर था, उसने इन्वेंट किया है, या उसने बोल सकते हैं उसने इसको फॉर्मुलेट किया है, हीरोन्स फॉर्मूले को। ग्रीक इंजीनियर है जिसका नाम था हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, तो ये उसके नाम पे, यही हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। अब आते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या आना चाहिए आपको, और कैसे कैसे चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे। तो सबसे ज़्यादा हम ये हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है ना, हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के लिए होता है। पहले तो आप एक चीज़ हमेशा याद रख लो, ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। बस आप ये जान लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के लिए होता है ये फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक पहले भी छोटी क्लास से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, लेकिन हम एक ऑलरेडी भी तो एक फॉर्मूला जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, वो फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी है, वैसे होता है ना, हाफ बेस इनटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला हम जानते तो हैं पहले से। नहीं पता ये वाला फॉर्मूला आपको, तो ये भी रिवाइज कर लो यहाँ पर। जैसे मान लो ये आपका कोई ट्रायंगल है, या आपका कोई क्या है, ट्रायंगल है भाई, नाम दे दो इसको ए बी सी, ठीक है। और मैं आपसे क्यों किसका एरिया निकालना है, तो इसके एरिया निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इस ट्रायंगल का बेस, तो बेस क्या है, ये बी सी, ये बेस है, ये क्या है, बेस, ये जो मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ ये है बेस। फॉर्मूले के हिसाब से हमें बेस पता होना चाहिए, हाफ तो नंबर है तो हाफ इंटू बेस, और हाइट पता होनी चाहिए। अब हाइट क्या होती है इस फॉर्म, इस ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, तो हाइट होती है अल्टीट्यूड, मतलब जो सबसे लंबी हाइट होती है उसको हम हाइट बोलते हैं, अल्टीट्यूड को। तो ये वाली पार्ट हाइट होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर किसी एक वर्टेक्स से जब सामने वाली लाइन पे जो परपेंडिकुलर बनती है वही हाइट होती है। तो इस केस में मान लो हम ए से वो लाइन ला रहे हैं, तो ये जो पिंक वाली लाइन होती है ना परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन मान लो ये डी पे काट रही है, ए डी, तो ये जो ए डी है जो पिंक कलर से मैंने बनाई है, ये होती है हाइट। तो ये इस फॉर्मूले से हम अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। तो मान लो बेस, ये जो बेस बी सी है, ये बी सी की वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये AD जो हाइट है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बस अब इस फॉर्मूले में डाल के आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो मैं निकाल दूंगा हाफ, बेस क्या है BC जिसकी वैल्यू 10 है तो 10, हाइट क्या है AD जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 तो 5, सॉल्व कर दो, 2 5 10, 5 5 25, और सारी चीज़ें सेंटीमीटर में, और जब एरिया होता है तो सेंटीमीटर में है, और एरिया होता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर। इसका आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब एरिया होता है तो स्क्वायर जरूर डालना। तो ये वाला फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। और अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये रही परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो इस केस में वही एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपसे कोई पूछे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सुनते जाओ, कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ मैं तुम्हारा। हीरोन्स फॉर्मूले पे हम आएंगे, पहले ये समझ लो। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री होता है, और इसमें आपको पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो वही फॉर्मूला है जो हमें हमेशा से पता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो वही यहीं पर लगाएंगे। तो हाफ या ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, है ना, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेस क्या है इसमें, ये बेस बी सी, ये वाला पार्ट बेस,
और हाइट क्या है, मैंने आपको भी यहाँ प्रीवियसली बताया हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है ये हाइट होती है, मैंने यहाँ बताया ना ये परपेंडिकुलर पिंक वाली ये हाइट होती है, तो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है ना सबसे लंबी होती है, तो बेसिकली हाइट हम वो लेते हैं जो सबसे लंबी लाइन होती है, तो जो परपेंडिकुलर होती है ना वही सबसे लंबी लाइन है, जैसे यहाँ पर ये पिंक वाली AD ये सबसे लंबी लाइन है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये मैंने 90 डिग्री बनाया था ना, यही दिखा रहा था कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर ए बी, और इसका मतलब यही है हाइट, ये हाइट क्या है ए बी है, तो ये येल्लो वाली ए बी हाइट है और ये बी सी बेस है, तो बस आपसे अगर मान लो ये वैल्यू दे रखी हो तो आप आंसर निकाल लोगे, मान लो ए बी की वैल्यू दे रखी है 3 और इसकी दे रखी है 4, ठीक है, या फिर मान लो ऐसे दे रखी हो 5, AC की दे रखी है और इसकी नहीं दे रखी और आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो पहले तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आपको पता है ये ए बी जो है ए बी ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है और ए सी हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल ट्रायंगल का पता है ना आपको, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये बेस की हाइट बेस की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में बेस चाहिए, मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम में जब ट्रायंगल होंगे तो वो उसके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का रिवाइज कर लो, देखो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है इसका, और हमें सिर्फ ए बी की वैल्यू दे रखी है 3 और ए सी की वैल्यू दे रखी है 5, पर हमें बी सी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो पर हमें तो बी सी की वैल्यू चाहिए क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो बेस तो चाहिए होगा, तो बी सी की वैल्यू मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा, तो मैंने आपको बता दिया ए बी परपेंडिकुलर है जिसको मैंने पी से लिखा है, बी सी बेस है जिसको मैंने बी से लिखा है, और ए सी आपका हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस इसको हाइट मत समझ लेना, इसलिए पूरा लिख लेता हूँ, बेस परपेंडिकुलर, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मुझे ये बेस बी सी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए चाहिए बेस, तो पर पाइथागोरस थ्योरम रिवाइज कर लो, पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर यानी कि ये ए बी, इसकी वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, बेस क्या है बी सी, तो बी सी की वैल्यू मुझे निकालनी है तो बी का स्क्वायर, ये तो मुझे नहीं पता, यही है बी सी यानी कि बेस, और हाइपोटेन्यूस ये होती है, इसमें सबसे लंबी लाइन होती है हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान रखना लॉन्गेस्ट लाइन होती है, लॉन्गेस्ट, अभी मैंने आपको यहां बोला था कि ये लंबी लाइन होती है, तो इन इस ट्राइंगल में तो ये वाली लाइन आपकी जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है ना वही हाइट मानी जाती है, काफी लंबी होती है, जरूरी नहीं कि सबसे लंबी हो, जैसे यहां मैंने प्रूव कर दिया कि यहां पर हाइपोटेन्यूस सबसे लंबी लाइन होती है, आपको ध्यान ये रखना है कि हाइट जो होती है, जो हाइट होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल में, ये वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है, जैसे इस केस में नॉर्मल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर थी AD और ये हाइट थी, ऐसे इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल में भी ये वाली लाइन हाइट मानी जा रही है AB, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रही है, एनीवेज पाइथागोरस थ्योरम पे थे हम, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस यानी 5 का स्क्वायर, बस आप इसको सॉल्व कर दो, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये बेस का स्क्वायर तो हमें निकालना है तो एज इट इज 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर यहाँ से बेस का स्क्वायर 9 को उधर भेजेंगे तो 25 माइनस 9 होता है 16, फिर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रेटा तो बी की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई 4 यानी बेस की वैल्यू आ गई 4, ये हमने निकाल दिया 4, तो बस अब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हम सॉल्व कर देंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे हाफ, बेस अभी हमने निकाला 4, हाइट हमें पता है ये परपेंडिकुलर वाली 3, सॉल्व कर दो 2 2 4 3 2 6, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, चीजें मान लो ये सेंटीमीटर में, मीटर में होता तो मीटर लिखते और ये स्क्वायर लिखना मत भूलना, ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, अब आते हैं हम हेरोन्स फॉर्मूले पे, तो ये अब तक हम सिर्फ ये फॉर्मूला जानते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए, अब जो एक नया फॉर्मूला हम जान रहे हैं हेरोन्स फॉर्मूला वो क्या होता है वो देख लो, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में ऐसे पूछेगा वो हेरोन्स फॉर्मूला, ऐसे पाइथागोरस लगवाएगा ट्रायंगल लगवाएगा तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तो अब मैं आपको बताऊंगा हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हेरोन्स फॉर्मूला सबको जानने से पहले आप जानिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर पेरीमीटर व्हाट इज पेरीमीटर, तो मान लो इसको एग्जांपल से समझो, मान लो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ आपके सामने, मेरा ट्रायंगल ठीक है, नाम दे दिया इसको ABC, और मान लो इन सबकी लेंथ लिखी हुई है, ए बी की लेंथ मान लो लिखी हुई है 4, ए सी की लेंथ लिखी हुई है मान लो 5, बी सी की लेंथ मान लो लिखी हुई है 3, ठीक है, 3 मैंने लिख दिया, एक ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है, तो ये ट्राइंगल है और तीनों साइड की मैंने लेंथ बता दी कि ए बी 4 है, ए सी 5 है और बी सी
तीन है। और मैं आपसे पूछूं इसका इस ट्राइंगल व्हाट इज द पेरीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो आप क्या बोलोगे? तो आपको ये पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है भाई, ये पता होना चाहिए आपको भैया। पेरीमीटर क्या होता है पता होना चाहिए, तो पेरीमीटर मतलब जो भी फिगर है ना उसकी टोटल लेंथ, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। टोटल लेंथ मतलब पूरी लेंथ को हम ऐड कर देंगे और वही पेरीमीटर ए बी सी और ए सी, तीनों लेंथों को जब हम ऐड कर देंगे ना वही पेरीमीटर होता है आपका। ये मैंने यानी पेरीमीटर यही, ए बी क्या है चार, बी सी क्या है तीन, ए सी क्या है पांच, 7 + 5 = 12 पेरीमीटर मान लो ये सब सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया। पेरीमीटर किसी भी फिगर का होता है मतलब टोटल लेंथ, टोटल लेंथ को हम फॉर एग्जांपल, वैसे तो आपके हेरोंस फॉर्मूले में एंगल ही आएगा लेकिन मैं स्क्वायर बना रहा हूं, स्क्वायर की आप विजुलाइज कर लो ये स्क्वायर ए बी सी, पेरीमीटर समझा रहा हूं स्क्वायर जो है ये पता होना चाहिए स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती है, चार में देखो पहली साइड ए बी सी चार साइडें होती है स्क्वायर में, चारों साइडें स्क्वायर की इक्वल होती है, ये होती है स्क्वायर की, स्क्वायर मतलब स्क्वायर की साइड है सेंटीमीटर, तो चारों साइडें टू टू साइड इक्वल होती है। और मैं पूछूं स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 साइड को इक्वल कर ऐड कर देंगे तो 4 + 4 = 6 + 6 = 8 सेंटीमीटर। बेसिकली पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सारी लेंथों का एडिशन जो होता है उसी पेरीमीटर हो गया, सारी लेंथों का एडिशन। अगर यहीं पर मैं आपसे ये पेरीमीटर आपको समझ आ गया सारी लेंथों का एडिशन, अगर यहीं से मैं आपको एक सेमी पेरीमीटर क्या होता तो आप बता पाओगे, जहां भी ये वर्ड सेमी दिख जाता है ना, सेमी का मतलब होता है हाफ, पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो जैसे यहां पर इस ट्रायंगल एबीसी में हमने तीनों साइडों को ऐड किया तो आ रहा है 12, तो हमें पता चल गया था पेरीमीटर 12। अगर मैं पूछू इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या होगा तो 12 का आधा यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 कर दोगे ना, आधा मतलब डिवाइड बाई 2, 6। सेमी मतलब होता है हाफ, किसी भी वर्ड के पीछे अगर सेमी लग जाता है ना उसका मतलब होता है हाफ। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना सेमी सर्कल, कैसे बनाते हैं ऐसे आधा सर्कल, सेमी मतलब ये जो वर्ड सेमी है इसका मतलब होता है हाफ। तो जैसे पेरीमीटर के आगे सेमी लग जाता है यानी सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। तो यहां पर पेरीमीटर जैसे इस ट्रायंगल में 12 निकला और मैं आपसे पूछूं इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6। सेमी पेरीमीटर आपके हेरों, अब आपको पेरीमीटर समझ आ गया, सेमी पेरीमीटर समझ आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ आ गया। अब आप हेरोंस फॉर्मूले के, यहां पर कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट। अब हेरोंस फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हेरोंस फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया निकालता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब तक हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो ऐसे था हाफ बेस हाइट, और हेरोंस फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकलवा ए सी, हेरोंस फॉर्मूला मान लो मैं बोल रहा हूँ फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाय हेरोंस फॉर्मूला, हेरोंस फॉर्मूला फॉर्मूला भी वो क्या होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, मतलब जिसमें एस क्या है अभी मैंने आपको प्रीवियसली सेमी पेरीमीटर, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, एस होता है सेमी पेरीमीटर, एस तो समझ आ गया मुझे सेमी पेरीमीटर है। ये ए बी सी क्या है, ए बी सी
एबीसी तीनों साइड है ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता है ना ये हेरोंस फॉर्मूला, यही है हेरोंस फॉर्मूला आपका ये। तो एस तो हो गया सेमी पेरीमीटर, मतलब तीनों ट्राइंगलों का पेरीमीटर है, उसको डिवाइड बाई टू करेंगे तो सेमी पेरीमीटर। एबीसी क्या है, एबीसी तीनों ट्राइंगलों की साइड को बस दे रखा है, नाम दे रखा है ए बी और सी, तीनों तो साइड का नाम दे रखा है ए बी सी। एग्जाम्पल इस साइड को ए बोल दो, मान लो बी बोल दो, इसको सी, साइडों का वैल्यू दे रखी है एबीसी। मान लो अब जैसे ये तीनों साइडों की वैल्यू दे रखी है, बस ए हो सकती है एबीसी, कोई भी ए हो सकती है, कोई बी हो सकती है, कोई सी हो सकती है, बेसिकली तीनों ट्राइंगलों की साइड की वैल्यू है ये एबीसी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेमी पेरीमीटर का, सॉरी ट्राइंगल निकालने का, मान लो या साइड दे रखी है क्या आपको, मैं बता दूं सबसे पहले आर ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला, तो हेरोंस फॉर्मूला लगा के ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला की, हेरोंस फॉर्मूला क्या होता है, हेरोंस फॉर्मूला भी हमने पढ़ा ऑफ ट्राइंगल, हेरोंस फॉर्मूला होता है टू अंडर रूट में होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी माइनस सी, सब ये हमारा हेरोंस फॉर्मूला। बस हमें हेरोंस फॉर्मूले के एस चाहिए, एस मतलब क्या होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे हमें पता है सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ, हाफ पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइडों का सम, इन तीनों साइडों का सम क्या है थ्री, साइडों का सम हो गया ट्वेल्व, वो तो हो गया पेरीमीटर, पर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना बाई टू इंटू सिक्स, हमें पता चल गया कि एस की वैल्यू तो सिक्स है, हमें एबीसी, एबीसी मतलब ये तीनों साइड है, तो कुछ भी मान लो ए को तीन मान लो, बी को चार मान लो और ये एस सिक्स, हमें सारी चीजें पता चल गई आप कर दो, मैं कर रहा हूं अंडर रूट एस क्या है सिक्स, एस माइनस ए तो सिक्स माइनस थ्री डायरेक्ट लिख रहा हूं थ्री, दूसरा ये सब मल्टीप्लीकेशन में एस माइनस बी, एस क्या है सिक्स, सिक्स माइनस एस माइनस सी, एस क्या है सिक्स, सिक्स माइनस फाइव स्क्वायर रूट, अब फैक्टर है ना हेरोंस फॉर्मूला, तो ये स्क्वायर रूट सॉल्व करना है into 3 18 into 2 6 so this comes ध्यान रखना है सब सेंटीमीटर में है, तो एरिया निकालते हैं तो आप स्क्वायर जब लिखना बात स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, ये हो गया 36, 36 जो होता है और आपको पता है स्क्वायर तो आपका बचा 6 और ये एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर आपका आ गया। हेरोंस फॉर्मूले से एरिया इस ट्रायंगल का निकल, ऐसे आप सारे फॉर्मूले यूज कर, इस फॉर्मूले को यूज करके अलग अलग टाइप से आपको ट्राइंगल आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन, अब क्या करो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, इतना ही कॉन्सेप्ट टेस्ट है, आप क्या प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करोगे आप क्या करो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो सॉल्व करो, उसके बाद एग्जाम्पलर एमसीक्यू सीक्यू क्वेश्चन आपका ये तय चक्कर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फॉर्मूला होना चाहिए ट्राइंगल की आपको नॉलेज, उसके बाद तो वो घुमा फिरा के देगा प्रैक्टिस करो, शुरू करो जो भी मैं, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।